दीपक शिवा, तो आपको एक प्रॉप यहाँ सिखाए जा रहे हैं। ये सीड और फ्लावर के ऊपर स्टोरी है, एक लिटिल सीड के ऊपर। तो ये हमने सर्कल ले लिया है, 3D करने के लिए हमने इस लिए थे माउंट बोर्ड पे, तो कट कर लिया है। यहाँ वो प्लांट से, ट्री से बात कर रहा है, इस टाइप से। तो यहाँ पर मुझे चिपकाना है इस जगह पर, ऐसे चिपका देंगे। ये हमने सीड बना ली है, सीड यहाँ पर लगाएंगे जो ट्री से बातें कर रहा है। ये देखिए स्टेप से हम यहाँ पे लगाएंगे। ऐसे में छोटा सनफ्लावर भी कट कर लिया, सीढ़ी मुझे करना है। ये देखिए सनफ्लावर हमने कट कर लिया है माउंट बोर्ड पे। ये छोटा सनफ्लावर है, इसके अलग पेटल है, इसको सबको हम कलर करेंगे। ये बड़ा बड़ा सनफ्लावर है, इस टाइप से इनको सबको हम कलर करके असेंबल करेंगे। इसकी स्टोरी ये है कि एक सीड है जो ग्रो होना चाहता है, पर ये सोचता है कि मैं सनफ्लावर ये सन की रोशनी से जल जाऊंगा, बहुत बारिश होगी तो मैं मर जाऊंगा, ये सोच के बहुत ही दुखी होता है। फिर एक ट्री उसको समझाता है, मैंगो ट्री है, वो समझाता है कि परेशान होने जो होती है, और इस टाइप से संघर्ष करके वो बड़ा सा खूबसूरत सा सनफ्लावर बनता है। ये इस ड्राॅइंग को हम इस पर करने आ रहे हैं। हमने एक पेंट कर दिया है और इस पर गूगली आइज लगाएंगे। दूसरा ये ग्रो सीड से निकल के प्लांट बड़ा हो गया है, इसको हम अलग अलग पेंट कर लेंगे, फिर इसको असेंबल करेंगे। तो ये टिश्यू पर लगा दिया ताकि मिट्टी का लुक आए। इसको हल्का पानी और फेविकोल मिला करके हम इसको पेंट करेंगे मिट्टी की तरह, मट की तरह। ये देखिए हल्का सा फेविकोल, और इसको लेकर के आपको स्ट्रोक्स देना ऐसे, ताकि लगे मट से फुट करके बाहर निकला है। मतलब जैसा ड्राइंग में आप सोचते हैं और उसके थ्रू ही आप उसको बनाते जाइए। स्टेप्स देखिए, मिट्टी से निकल करके प्लांट बाहर आ रहा है। इस स्टेप से आपको इसको करना है, हल्का सा फेविकोल मिला लेना ताकि टिश्यू पर उसमें उसमें मर्ज हो जाए। यहाँ पे भी लगाएंगे, तब करेंगे इसको। पहले इसको करने के बाद इसको हम दोनों को पेंट कर लेते हैं, इनको पत्तियों को, लीफ को पेंट कर लेते हैं सनफ्लावर की तरह। फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे, ये देखिए हम फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे, सारे पैटर्न्स को कलर करेंगे, फिर असेंबल करेंगे। फिर ये एक्स्ट्रा पैटर्न बनाएं ताकि इसके साइड साइड में और लगेगा, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं, देखिए इस टाइप से ये बन गया रेडी। अभी हेड के ऊपर का बना रहे हैं हम, तो एक सीट लगा दिए हैं सर पे लगाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक सीट लगेगा, और इसके ऊपर भी एक आँखें लगाएंगे हम। ये सीट ग्रो कर रहा है, स्माइली करेगा, इस टाइप से इसको दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए हेड पे बांधने के लिए बन गया इस टाइप से, और इधर ये गले में लटकाने के लिए बन गया। छोटे बच्चों को पहनना है इसलिए इस टाइप से बनाया गया है। 3D कर दिया हमने इसको थोड़ा सा ऐसे उठाकर, एक दूसरे को लीफ से लगा दिए। ये भी थोड़ा 3D है, जिससे ओवरलैप करके। ये आप इस टाइप से बनाइए। यहाँ पे थोड़ी जैसे बारिश की बूंदे दिखाएंगे, बूंदे दिखा दिया है। ये मैंगो ट्री। थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा आप लोग। ये इस टाइप से गले में बच्चों के लटकेगा, गले में स्टेप से लटक जाएगा। ये देखिए स्टेप से हमने रिबन बना दिया, ये गले में स्टेप से लटकेगा, और ये सर पे ऐसे स्टेप से बन जाएगा।